नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है या कहें कि हंगामा शुरू हो चुका है, क्योंकि अगर राजस्थान में राज्यपाल ही अपनी बात ना रख पाए तो फिर जरा सोचिए आम आदमी का क्या होगा। लेकिन कमाल देखिए, आम आदमी का हवाला देते हुए विपक्ष राज्यपाल को सुनने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वो कहते हैं कि राजस्थान जो राज्यपाल जो पढ़ रहे हैं वो दरअसल झूठ का पुलिंदा है। तो क्या कांग्रेस के दौर में भी ऐसा ही होता था, और क्या वाकई में राज्यपाल जो प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं वो झूठ का पुलिंदा पढ़ते हैं? सवाल भी गंभीर और आरोप भी गंभीर। लेकिन आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या अभिभाषण के साथ जो शुरुआत बजट सत्र की हुई है उसे कांग्रेस एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल करे। विधानसभा सत्र या फिर कहें कि हंगामे के साथ जुबानी शस्त्रों के जरिए आरोप प्रत्यारोप का सत्र जो आज हुआ, उसने ये तो बता दिया कि ये सत्र सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाला। साथ ही जिस तरीके से बीजेपी उपचुनाव हारी है, बजट के जरिए उस कमी को खत्म करना चाहेगी और कांग्रेस जीत के साथ विधानसभा का इस्तेमाल सरकार को घेरने के लिए करेगी, यानी टक्कर और टकराव दोनों देखने को मिलेंगे। तो क्या वाकई में इस सत्र का इस्तेमाल दोनों ही पार्टियां खुद के वजूद को बनाने के लिए, बचाने के लिए इस्तेमाल करेगी? आज बात इसी मुद्दे पर, और इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक और उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ जी, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता गिरिराज गर्ग जी, मौजूद हैं निर्दलीय विधायक नंद किशोर मेहरिया जी, और साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी। इनसे बातचीत करें, उससे पहले आपको कुछ सुनाते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर समझना है तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि विधानसभा में अक्सर ऐसा होता रहता है। जरा सुनिए, जब अभिभाषण की शुरुआत माननीय राज्यपाल ने की तो क्या हुआ? तो अपराध के अंदर 21वें नंबर पर था और एक नंबर पर लेके आ गए। महामहिम महोदय, आप जो सरकार लिख के देती है और उस अभिभाषण का झूठ का पुलिंदा यहाँ पढ़ के चले जाते हैं, तो ये क्या मतलब है इस व्यवस्थाओं का? ये कौन सा लोकतंत्र रह गया? महामहिम महोदय, मैं मांग करता हूँ कि प्रदेश के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करे, जवानों को रोजगार के साधन मिले। हो रही है, मैं माननीय सदस्यों का अभिवादन करता हूं। इस प्रदेश में भय का वातावरण और अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, विकास किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और सरकार ने वायदा किया था किसान कर्ज माफी की घोषणा की थी, उसके बाद आज तक किसान कर्ज माफ नहीं हुआ है। माननीय महामहिम महोदय, ये जो आपसे अभिभाषण का जो पुलंदा पढ़ाया जा रहा है, एक असत्य का वाचन करवाया जा रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय, देश भर में जो किसानों ने आत्महत्या की, उनके सरकार ने कोई भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। आज प्रदेश में पूरे देश में हत्याएं हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कारियों को बचाया जा रहा है ये सरकार के द्वारा, और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का वातावरण बना हुआ है। मंत्री क्या, मुख्यमंत्री क्या, पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री अजरी बेच रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों को बदले की भावना से देश कराए जा रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, इस अभिभाषण का ये जो असत्य का पुलंदा है इसे बंद करें। जो इस प्रदेश की जनता त्राय त्राय मान मचा रही है, उसके बारे में सरकार को निर्देश करें कि सरकार किस प्रकार ठगिया काम कर रही है, किस प्रकार अपराध हो रहे हैं, किस प्रकार भ्रष्टाचार हो रहा है। विकास के नाम की कोई चीज नहीं है। गोविंद जी, वायदों को पूरा करने से महोदय, ये चार साल से जिस प्रकार से असत्यों का पुलिंदा आपसे पढ़वाया जा रहा है सदन में, माननीय राज्यपाल महोदय, ये प्रदेश में किसान आत्महत्याएं कर रहा है, भ्रष्टाचार का आलम है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार दिया जा नहीं रहा है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, क्या इसी असत्य पुलिंदों को बढ़ाने के लिए महामहिम आप रह गए हैं? दरअसल ये अभिभाषण था जिसको राज्यपाल, माननीय राज्यपाल पढ़ रहे थे। अब आपको उसमें से कितना समझ में आएगा ये कहना मुश्किल है, या आप ये आप खुद तय कर दीजिए। लेकिन शुरुआत में आपको कुछ समझ आया या नहीं, ये उम्मीद हम कम करते हैं, क्योंकि हमें भी समझ नहीं आया कि वो क्या पढ़ रहे थे। अंत भी आपको सुना देते हैं, हो सकता है कि अंत में से कुछ निकल आए, ये भी सुन लीजिए।
नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। आत्मा की आवाज कर क्या रहे लोगों की आप देख रहे हो पूरे प्रदेश के अंदर मुहिम जो हालात बने हैं पूरे प्रदेश के अंदर पूरा संकल्प जो घोषणा की थी जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। इस मर्यादाओं को भंग कर रहा है महामहिम। मेरी प्रार्थना है महामहिम कि आप इस भाषण का अंतिम पैरा का वाचन कर दें और इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मेरा निवेदन है महामहिम 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 जिस प्रकार का आचरण प्रतिपक्ष कर रहा है आज के गरिमापूर्ण इस दिवस का दाव तार कर रहा है महामहिम महामहिम मेरा निवेदन आपसे जिस संता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया था इसे अभिभाषण का अंतिम पैरा का वाचन तो अभिभाषण की शुरुआत भी हमने आपको सुनाई, अंत भी हमने आपको सुनाया। तय कीजिएगा जरा कि क्या समझ में आया, सिर्फ हंगामा ही नजर आया। आज बिग फाइट में हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या विधानसभा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। अब फेसबुक पर, ट्विटर पर, हमारी वेबसाइट पर रिएक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम खत्म होने से पहले आपकी रिएक्शन को हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और हमारे साथ जो माननीय मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या वाकई में उनको भी लगता है कि आप जो सोचते हैं समझते हैं वही दरअसल सही है या फिर आपकी राय से इतर इस बार विधानसभा सत्र में कुछ होने वाला है। शुरुआत करते हैं नंद किशोर जी आपसे, मैं इसकी शुरुआत करना चाहूंगा। निर्दलीय जरा निष्पक्ष होकर बताइए कि क्या वाकई में विपक्ष आज सिर्फ अभिभाषण की खिलाफत करने पहुंचा था, हंगामा करने पहुंचा था या सुनने पहुंचा था कि अभिभाषण के जरिए माननीय कुछ क्या कुछ सरकार की उपलब्धियां, विफलता या जनता के बीच में कुछ रखना चाहते हैं। देखिए दरअसल आज कार्यसूची के साथ महामहिम महोदय के अभिभाषण के साथ जब काले कानून को रखने की बात आई उससे सारा मामला दरअसल उत्तेजित हुआ कि भाई महामहिम महोदय हमारे सामने आए हुए हैं, इसलिए विपक्ष ने भी ये सोचा कि हम कुछ बातें इनके सामने रख दें तो पता नहीं सरकार नहीं सुन रही तो ये सुन लें, क्या पता प्रदेश का भला हो जाए। और वो काले कानून जिसका मीडिया, विधायकों, जनता सब ने विरोध किया उसको आज साथ रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसको साथ रखने की वजह से सारा माहौल जो है वो तीखा हो गया और गवर्नर साहब का भाषण भी ढंग से सुना नहीं जा सका। लेकिन मैरिया जी, इसलिए मैंने शुरुआत और अंत दोनों दिखाए हैं प्रोग्राम के अंदर। शुरुआत होते ही बहस शुरू हो गई, हंगामा शुरू हो गया, वेल में आना शुरू हो गया, चार शब्द नहीं सुने गए उससे पहले शुरू हो गया। तो वही बात बता रहा हूँ, ये तो तय था ना सर, चार साल में सरकार ने जब बातें नहीं सुनी तो विपक्ष चाहता था कि महामहिम महोदय अपना अभिभाषण पढ़ने से पहले उनकी जो बातें हैं, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो किसानों की आत्महत्या की स्थिति है, जो स्कूलों के पीपीपी मोड पे देने की स्थिति है, इस तरह की हरकतें जो सरकार कर रही है पिछले चार साल से वो महामहिम महोदय के सामने रखने की लोग कोशिश कर रहे थे, विपक्ष के लोग खासतौर से, जिसकी वजह से सारा हंगामा हुआ। तो बस इसलिए अभिभाषण को सुना ही नहीं गया, वो अभिभाषण जिस पर अब 9 तारीख तक बहस होनी है, जनता को पता ही नहीं कि राज्यपाल साहब क्या पढ़ गए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, नियम और प्रक्रिया के तहत सारा काम होना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से गड़बड़ है। सरकार विपक्ष को मौका नहीं देती अपनी बात रखने का और पिछले चार साल में विपक्ष राज्यपाल साहब को नहीं, जो बातें नहीं सुनी गई वो राज्यपाल साहब को लोग सुनाना चाहते थे, इसलिए ये सारी स्थिति पैदा हुई। ठीक है मदन जी, क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि राज्यपाल साहब जब अभिभाषण पढ़े तो कम से कम चैन से सुन लिया जाए, कोई व्यवस्था नहीं ऐसी? व्यवस्था है, विपक्ष को गंभीर रहना पड़ता है, विपक्ष थोड़ा समझे इस इश्यू को कि राज्यपाल महोदय आए हैं, साल में एक बार आते हैं और वो जो अपना वक्तव्य देते हैं, पढ़ते हैं तो उसको सुनना चाहिए था। इनके पास में पूरा समय है, पूरा एक महीना मिलेगा इनको बोलने के लिए, लेकिन ये तो ज्यों ही राज्यपाल महोदय ने एक वाक्य बोलना शुरू किया और इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। और उसमें आप देखिए अभी जो आपने सुनाया शुरुआत, उस शुरुआत में देखिए कि जब वो रमेश मीणा थक गए तो उन्होंने उकसाया गोविंद जी, यानी मतलब अब आप बोलिए मैं तो थक गया हूँ, यानी कमाल है। पहले से तैयारी करके आए थे कि पहले मैं बोलूंगा उसके बाद में आप बोलोगे और व्यवधान उत्पन्न करना है। मैं सोचता हूँ कि गैर गंभीर विपक्ष है। मैं दूसरी बात आपके माध्यम से और बताना चाहूँगा कि इनके नेता देखिए ना, नेता प्रतिपक्ष, जब से राजस्थान विधानसभा का गठन हुआ है तब तक आज तक का इतिहास है कि नेता प्रतिपक्ष गवर्नर स्पीच में मौजूद रहे हैं। आज पहला मौका है कि जब नेता प्रतिपक्ष गवर्नर को महत्व नहीं दे रहे हैं, स्पीच को महत्व नहीं दे रहे हैं, सदन को महत्व नहीं दे रहे हैं, यहाँ नहीं आए और गए अपने आका को धोक लगाने के लिए। मैं सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा गैर गंभीर विपक्ष मैंने आज तक नहीं देखा और मतलब कमाल की बात हो गई। क्या ऐसा जरूरी था कि उसी समय सब चिल्लाना जरूरी था? ये जो आप महरिया जी ने जो बातें कही, आपके पास पूरा समय है,
पूरा समय रखने के लिए है, आप जरूर रखिए। महामहिम को यदि कहना चाहते हैं, महामहिम 5 साल तक विराजमान है यहाँ पर, आप जाकर के वहां बात कर सकते थे, सदन की गरिमा को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल मदन जी, लेकिन जनता के पास भी पहला ही मौका आता है जब राज्यपाल साहब को सुनते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार राज्यपाल अभिभाषण के जरिए क्या कुछ कह रहे हैं, फिर क्या जल्दबाजी लगती है कि अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर आप चले जाइए। वो इसलिए कि जब कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, विपक्ष हंगामा ही हंगामा करना चाहता है, और वो जब थक जाए तो दूसरे को तैयार करते हैं, दूसरा थक जाए तो तीसरे को तैयार करते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। और वेल में इस प्रकार से आना, मैं सोचता हूँ कि ये ठीक बात नहीं थी, और कांग्रेस को भी गरिमा रखनी चाहिए थी, आज पूर्व मुख्यमंत्री को रहना चाहिए था। अरे पूर्व मुख्यमंत्री ये कोई वो जोधपुर दूसरे प्रोग्राम में घूमने गए, क्या सदन उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था? ठीक है गिरा जी, सदन के कारण से ही तो आप हो। ठीक है, हमने आज कोशिश की थी कि कांग्रेस से बाकायदा विधायक को बुलाया जाए, लेकिन उनकी मीटिंग चल रही है, इस दौरान वो यहाँ पर नहीं आए। अब इसको किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं आते हैं क्योंकि उनको दिल्ली जाना है, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं आते हैं क्योंकि उनको जोधपुर जाना है, और प्रोग्राम में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनको मीटिंग में जाना है। लेकिन ठीक है, गिरा जी हमारे पास आए हैं। गिरा जी जरा बताइए कि नेता प्रतिपक्ष पहले ही दिन अभिभाषण के दौरान विधानसभा में नहीं रहते, पूर्व मुख्यमंत्री जोधपुर रहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए जैसा मदन जी ने कहा, पहले आपका पिछले जो विपक्ष का कार्यकाल था उसका इतिहास उठा के देखिए, आपके नेता प्रतिपक्ष 3.5 साल तक देश में ही नहीं रही, आप एक नहीं ऐसे कई उदाहरण होंगे, कई अभिभाषण होंगे जिसपे आपके पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रहे ही नहीं। और दूसरी बात, आप जो कहते हो कि ना कांग्रेस को संयम रखना चाहिए, कांग्रेस को जो है मर्यादा रखनी चाहिए, आप इतिहास उठा के देखिए, ये परंपराएं आपने तोड़ी है, ये सारे कृत्य आपके द्वारा इससे आगे बढ़ के किए गए, विधानसभा का इतिहास उठा के देखिए, रिकॉर्डेड बीजेपी की लाइन पर चल रही है आप। नहीं तो इसलिए क्या है, और जब सरकार का इतना बड़ा मैंडेट है, 4 साल का ये ना पूरा कार्यकाल है, आप हर सदन को उठा के देख लीजिए, सरकार ने सर मैं तो सिर्फ आपसे इतना जानना चाह रहा हूँ कि राजी सुनिए सर, मैं सर आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष के लिए आज जरूरी क्या था, दिल्ली जाना, सुनिए सर, दिल्ली जाना या प्रदेश की विधानसभा को आगे लीड करना, क्या जरूरी था? निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष जो है उनको चूंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का निमंत्रण था, टाइम दिया हुआ था, इसलिए वो दिल्ली गए हैं, और चूंकि राजस्थान में बहुत बड़ा संदेश, वही तो मैं कह रहा हूँ कि विधानसभा से ज्यादा जरूरी विधानसभा था कि अध्यक्ष ने बुलाया 17, तो वहां जाना है। 17 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, 17 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को सरकार नकारा है जनता ने, और कांग्रेस के साथ बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, इसलिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ गिरा जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर जीतकर वहां पर गए थे तो वो भी लेके जा सकते थे, विधानसभा की जिम्मेदारी दोनों की जिम्मेदारी होती है, दोनों की जिम्मेदारी होती है, और विधानसभा की जिम्मेदारी किसकी? दोनों की जिम्मेदारी, विधानसभा की जिम्मेदारी किसकी गिरा जी? नेता प्रतिपक्ष और पार्टी। सर मैं आपसे जान रहा हूं कि विधानसभा में जिम्मेदारी किसकी? नेता प्रतिपक्ष है, उपनेता है ना हमारे, मुख्य सचेतक है ना हमारे, जवाब दिया ना उन्होंने, है ना, यानी कि अध्यक्ष के सामने टॉप लीडरशिप चाहिए, और विधानसभा के अंदर आपका जो भी सेकंड है वो चल सकते हैं, अब ये कह रहे हैं आप उठा के देखिए के आधार पर विधानसभा पीछे आती है, अध्यक्ष पहले आते हैं, उठा के देखिए ना कि नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष कितने तो फिर सर ये कहिए ठीक है गिरा जी, मैं तो आपकी बात कह रहा हूँ गिरा जी, मैं तो सिर्फ आपकी बात कह रहा हूँ, तो फिर ये कहिए गिरा जी, फिर ये कहिए कि कांग्रेस दरअसल अब बीजेपी की लाइन को फॉलो कर रही है, फिर ये कहिए सर। नहीं नहीं, बीजेपी के लाइन को हम कतई फॉलो नहीं कर रहे, बीजेपी अपना ना खुद इससे क्या फर्क पड़ता है कि बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष कभी रहे या नहीं रहे? नहीं, लेकिन एक ना ना टाइम अगर ना वहाँ दिल्ली का टाइम था, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने बुलाया था इसलिए वो वहाँ गए हुए थे, तो ये ना तो परंपरा तो जरूरी है। ठीक है, विधानसभा का सत्र आहूत है ये सबको पहले से पता था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से समय दूसरा लिया जा सकता था। आज तक विधानसभा गठन के बाद कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि गवर्नर स्पीच में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हो, पहला मौका है कि आज वो नहीं थे, मैं ये बात बताना चाहता हूं। जी ठीक है मदन जी, लेकिन आप हमारे दर्शकों को जरा बता सकते हैं कि अभिभाषण में क्या कुछ था, क्योंकि सुन तो कोई पाया नहीं। देखिए अभिभाषण के अंदर मैंने पढ़ा है अभिभाषण जी, जिसमें राजस्थान में जो विकास के काम हुए, जो गौरवपथ बने, जो सड़कें बनी, जो चिकित्सा के मामले में जो काम हुए, मेडिकल कॉलेजेस जो नए हमने बनाए वो इसमें है सर, सिस्टम के साथ मिलकर बनाए, गरीब लोगों का जो इलाज हो रहा है, गरीब अपना इलाज करवा सकता है, वो व्यवस्था उसके अंदर है।
हमने प्रत्येक पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दी, वो इसके अंदर है। इस स्पीच के अंदर वो सब कुछ है कि किसानों के लिए हमने क्या किया। मदन जी, ये भी होगा ना इसमें कि अजमेर, अलवर और मांडलगढ़ में भी विकास के काम किए होंगे, उनको भी गिनाया गया होगा। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके विधायक कह रहे हैं, मदन जी ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके ही विधायक सर कह रहे हैं कि अधिकारियों की वजह से हार गए, दूसरे कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की वजह से हार गए। अब अगर विकास के काम किए होंगे तो इन दोनों के आधार पर ही किए गए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि नेता ने खुद जाके वहां पे काम कर दिए होंगे। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा आपको, मैं इस आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो जैसे अभी पद्मावत का मामला आया, पद्मावत में कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जी कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, उन्होंने इसको रिलीज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस करी और हमने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखा, समाज की भावनाओं का आदर किया। हमने पद्मावत पर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां रोक लगाई, लेकिन मार हमको पड़ी। ये जो लोटा जो कांग्रेस के एक नेता है, जानकारी आपको होगी ये क्यों पड़ी, कांग्रेस ने बताना चाहूंगा, कांग्रेस के नेताओं ने ये भ्रम पैदा रिलीज नहीं होने देंगे, कांग्रेस के नेताओं ने ये भ्रम पैदा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ये पद्मावत रिलीज करवा रही है। अब उल्टा हो गया, या ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। ठीक है, मदन जी, मैं आपको सिर्फ दो वजह से सर रोकना चाहूंगा, मुझे श्याम जी के पास जाना है, लेकिन मदन जी मैंने पूरी लिस्ट पढ़ी है जो बाकायदा उन वकील की थी जो इस केस को कोर्ट में लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कपिल सिब्बल का नाम मुझे दिखाई नहीं दिया सर, हो सकता है गलत हूं, कपिल सिब्बल थे सर, हो सकता है मैंने बाकायदा उनके जो 12 या 13 जो वकील थे मैंने उस लिस्ट को देखा था। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूं सर, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिया। और दूसरा, वो प्रोफेशन से वकील भी है सर, श्याम सुंदर जी सर, क्या ये अभिभाषण शांतिपूर्ण तरीके से सुना नहीं जा सकता था? देखिए विजेंद्र जी, क्योंकि राज्यपाल जब प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि राज्यपाल बुजुर्ग हैं, उन नाते से वो 50 पेज का अभिभाषण अगर तैयार करके आप उनको दोगे तो पढ़ने में करीब 2 घंटे करीब लगते हैं। जी, मैंने पिछले राज्यपालों को देखा है, वो पढ़ते थे तो 2 घंटे करीब लग जाते थे, उनको पानी पीने की कई बार जरूरत पड़ती थी, सारी बातें होती थी, क्योंकि सक्षम होते थे पढ़ते थे। मार्केट अलगाम ने भी पढ़ा, अंशुमन सिंह जी भी पढ़ते थे। अब ये आज तो हंगामा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने यहाँ राज्यपाल की धोती फटते हुए देखा या राज्यपाल के अभिभाषण की पर्तियों को फाड़ करके फेंकते हुए देखा। ये क्योंकि परंपरा दिखाने के लिए कुछ है, बीजेपी भी पहले होती थी, सारी चीज़ें उनके ज़माने में हुई है, मदन जी भी थे सदस्य जब ये घटना इसी विधानसभा में हुई थी, सारी बातें सामने देखने को मिली। लेकिन परंपरा ये होनी चाहिए कि आप सरकार क्या करना चाहती है, अपना विजन प्रस्तुत करती है, ये राज्यपाल का भाषण नहीं है, अभिभाषण है। अभिभाषण का मतलब सरकार का विजन, सरकार क्या कुछ कर चुकी है, क्या कुछ करना चाहती है, सदन में कौन से विधेयक आएंगे, 2 विधेयक की चर्चा भी उसमें हुई है। तो ये सारी बातें अब आज पहली बार प्रधानमंत्री का विजन इसमें रखा गया कि प्रधानमंत्री ने देश को क्या दिया, उससे क्या होने वाला है, GST का भी जिसमें जिक्र किया गया, GST से हमको क्या मिलने वाला है। तो सरकार ने अपना विजन इस अभिभाषण के माध्यम से प्रस्तुत किया और 4 दिन इस पर बहस होगी। विजन दिखाई कहां दिया, यहां तो सिर्फ बहस दिखाई दी। नहीं, क्योंकि अब राज्यपाल पूरा क्योंकि प्रस्तुत हो गया, ये अब सदन की प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि प्रति सबको बांटी जाती है, सदन के जितने सदस्य हैं उनको दी जाती है। अभी आज उसके बाद 4 दिन जब बहस होगी उनके अलग अलग टाइम में, तो उस पर चर्चा अब होगी कि राज्यपाल। अब ये कहना चाह रहे हैं कि अभिभाषण महज एक औपचारिकता हो चुकी है जिसको राज्यपाल, माननीय राज्यपाल निभाते नजर आते हैं, विपक्ष हंगामा करके निभाता नजर आता है, और सत्ता पक्ष ये कहकर कि अंतिम की 4 पंक्तियां पढ़ दीजिए अभिभाषण को पढ़ा मान लिया जाएगा, ये कहकर औपचारिकता निभाते नजर आते हैं, बस अभिभाषण का मतलब यही बचा है। नहीं, क्योंकि परंपरा अब यहाँ विधानसभा में राज्यपाल देते हैं तो लोकसभा उसमें राष्ट्रपति अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं, ये तो परंपरा है। लेकिन आप देखिएगा कि आज जिस प्रकार से कांग्रेस का प्रतिपक्ष का नेता नहीं होना, पूर्व मुख्यमंत्री का नहीं होना, ये अंकित करता है कि आप किस प्रकार का पहल इस सदन को देना चाहते हैं। छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन सवाल यही है कि वाकई में अभिभाषण एक औपचारिकता भर रह चुके हैं, और अगर आप अभिभाषण को सुनना चाहते हैं तो यह गलतफहमी है, क्योंकि विपक्ष हल्ला इतना करेगा कि सुन नहीं पाएंगे। सत्ता पक्ष चाहेगा कि अंतिम 4 लाइनों को पढ़ लिया जाए और अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए, लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस विधानसभा को लेकर गंभीर है? क्योंकि अगर नेता प्रतिपक्ष दिल्ली को तवज्जो देते हैं, विधानसभा को नहीं, तो क्या वाकई में जो जीत के बाद जश्न था वो विधानसभा में थोड़ा फीका नजर आया? इस दौरान ब्रेक के बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि जिन 2 बिल का जिक्र यहां पर किया गया
उसको लेकर किस तरीके से हंगामा होता नजर आया कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और बीजेपी और बीजेपी के बीच में भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहा हूं। जो बजट सत्र चालू हुआ है इसमें दोनों ही पार्टियों को एक दूसरे के सुझाव से और आम जनता का फायदा हो, इस तरह का बजट पेश करें ताकि आम जन को फायदा मिले। और री हंगामे की बात तो दोनों पार्टियों को हंगामा नहीं करना चाहिए, पब्लिक के हित का बजट हो, गरीब को फायदा हो, बजट को पेश करना चाहिए। सरकार चारों तरफ से मतलब रोजगार के मुद्दे को, किसान के मुद्दे को, वो सरकार को अपनी ओर से घेरने की कोशिश करेंगे और ये बजट बहुत ही मतलब हंगामेदार रहेगा।